हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, सॉरी गुड मॉर्निंग नॉट, गुड गुड इवनिंग एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? ठीक है। तो देखिए, हम लोग आज फिर से, जैसा कि एक वीडियो आप लोग का मैं डाला था, ठीक है, जो कि 500 का प्रीवियस ईयर सेट चल रहा है फ्रेंड्स, तो उसी में से आज हमारा सेट नंबर 2 है, ठीक है, प्रीवियस ईयर का। और फटाफट आप लोग जुड़ जाइए। तो चलिए हम लोग देखते हैं। बहुत अच्छे अच्छे सवाल मैं लेकर आया हूँ आपके लिए, बहुत ही अच्छा अच्छा, ठीक है, जो कि SSC का जितना भी एग्ज़ाम है, चाहे वो CHSL हो, CGL हो या MTS हो, ठीक है, ये सबका, अभी स्टेनो का एग्ज़ाम चल रहा है फ्रेंड्स, तो ये सारे सेशन जो होंगे आपको स्टेनो में मदद करेगा फ्रेंड्स, इधर छाटने के लिए, ठीक है। तो पढ़ाई के लिए आप लोग हर वक्त जुड़े रहें, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। जैसा कि टॉप 500 यहाँ पर प्रीवियस ईयर सेट है, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो लोग नए जुड़े हैं, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और पहले सब्सक्राइब कर दें। यहाँ पे मैं कुछ बताता हूँ गाइस, यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे इंग्लिश वाला राज के नाम से टेलीग्राम चैनल है, आप लोग यहाँ पे जुड़ सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे QR कोड को स्कैन करके भी आप लोग जुड़ सकते हैं, और ये लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। हर वीडियो का लिंक आपको कॉमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में हर जगह से आप लोग लिंक वहाँ दिया हुआ है, आप लोग वहाँ से भी जुड़ सकते हैं। ये आपका ArYaRaj8611 करके आपका क्या है, इंस्टाग्राम आईडी है, आप लोग इसको भी फॉलो कर सकते हैं गाइस, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हमारा सेट नंबर 2 है, टॉप 5 नंबर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है गाइस, ठीक है। तो फोर चलिए हम लोग देखते हैं। अगर आप लोग ये 500 क्वेश्चन मेरे साथ अगर आप लोग सॉल्व कर लेते हैं, तो इससे बाहर गाइस अभी स्टेनो में या फिर आने वाला एग्ज़ाम में आप लोग का इससे बाहर नहीं आएगा, ठीक है। और जो कि 10 मिनट का शो, जो हमारा वोकेबुलरी शो चल रहा है गाइस, उसको भी आप लोग ज़रूर से ज़रूर डेली 10 मिनट में आप लोग जुड़ेंगे, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो, नोटिफिकेशन को बेल आइकन ऑन कर लो। तो चलिए बिना देरी किए हुए आज का पहला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, ठीक है। तो ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, एक बार लाइक बटन पर क्लिक कीजिए और बड़ा ही झटपट से क्या हो जाएगा इसका आंसर गाइस, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, ठीक है, क्या कह रहा है देखें और ये बताएं क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन बोला है सिनोनिम चाहिए ऑफ द वर्ड बेनिवोलेंट, ठीक है। तो बताइए ये सारे सवाल जो हैं वो आए हुए सवाल हैं, ठीक है, और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है गाइस। तो आप लोग समझ लो कि जितने भी MTS या फिर CHSL का जो एग्ज़ाम होता है वो यही लेवल का क्वेश्चन पूछता है। तो गाइस बेनिवोलेंट का मतलब क्या होता है? बेनिवोलेंट वो नेक दिल इंसान होता है जो किसी की मदद करता हो, ठीक है, उसे हम लोग कहते हैं बेनिवोलेंट। मैलिशियस, जो लोगों को नुकसान पहुंचाता है, ठीक है, मैलिशियस जो लोगों को नुकसान पहुंचाता है। क्रूल का मतलब जो बहुत ही क्रूल हो, जो लोगों के नुकसान पहुंचाता है। काइंड हार्टेड मतलब दयालु, और रूड का मतलब तो अकड़ू। तो गाइस आंसर क्या हो जाएगा इसका? 3, काइंड हार्टेड, ठीक है। सिमिलर पूछा था, डायरेक्शन आप लोग जरूर पढ़ेंगे क्या होता है इसका। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पर आइए, बताइए ऑब्स्टिमेट क्या होगा गाइस। क्वेश्चन लिखा है ऑब्स्टिमेट, जट से बताओ आप लोग क्या होता है इसका मतलब ऑब्स्टिमेट, ठीक है। यहाँ पे 4 ऑप्शन भी दिया हुआ है, देखते हैं कौन इसका आंसर देता है फटाफट। फ्लैक्सीबल, प्लाइएबल, स्टबर्न या फिर अडेप्टेबल, ठीक है। ऑब्स्टिनेट का सिनोनिम क्या होता है? ये जो ऑब्स्टिनेट होता है ना फ्रेंड्स, ये अपने बात पर अड़ा रहता है, इसको अपने बात से कोई हटा नहीं सकता है, ठीक है, उसे क्या कह सकते हैं हम लोग, ठीक है, उसे क्या कह सकते हैं हम लोग, स्टबर्न, ठीक है, स्टर्न। तो इसका सिनोनिम पूछा है गाइस, तो हो जाएगा स्टबर्न, जिद्दी, अपने बात पर अड़ा रहने वाला इंसान। फ्लेक्सिबल और प्लाइएबल दोनों बिल्कुल सेम है गाइस, ठीक है, कोई ऐसी चीज़ जो बिल्कुल चेंज हो जाए, इट इज़ कॉल्ड फ्लैक्सीबल और प्लाइएबल। और अडेप्टेबल का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ के अकॉर्डिंग आप अपने आप को ढाल लें, ठीक है, कोई ऐसी सिचुएशन जो आपको अपने आप को उस सिचुएशन में ढाल ले, ठीक है। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि द एटमॉस्फेयर ऑफ द न्यू ऑफिस, ठीक है, तो हम लोग उसको कह सकते हैं। सारे वर्ड क्लियर है गाइस? तो चलिए लेट्स गो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बाकियों से पहले आपको आंसर देना है और बाकियों से पहले आपको आगे निकलना है। नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पर वर्ड्स के फॉर्म में, डिलीजेंट, ठीक है, हार्ड वर्क, हार्ड वर्किंग, लेजी, अर्नेस्ट या फिर इंडस्ट्रियस,
क्या होगा इसका आंसर आपको बताना है, लेजेंड का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, ठीक है, बताइए फटाफट, 10 सेकंड का आपके पास टाइम है। डिलीजेंट, हार्ड वर्किंग, लेजी, अर्नेस्ट या फिर इंडस्ट्रियस, ठीक है, कुछ लोग आंसर दे रहे हैं गाइस, ठीक है, वेरी गुड, लेजी कह रहे हैं कुछ लोग। तो गाइस डिलीजेंट का मतलब क्या होता है, कर्मठ, जो मेहनत करता है हर वक्त, हार्ड वर्क करता है, ठीक है, डिलीजेंट। इंडस्ट्रियस मेहनती है। अर्नेस्ट मतलब सिंसियर इंसान, जो अपने चीज़ों को लेकर बहुत ही गंभीर है, सिंसियर है। और हार्ड वर्किंग, जो बहुत ही मेहनती है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका गाइस, ऑप्शन नंबर 2, सिर्फ यही तो है जिसका मीनिंग उल्टा है, लेजी, बाकी ये सब क्या है, सिनोनिम है गाइस। आगे चले, ठीक है, यस, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, ये रहा क्वेश्चन नंबर 4, प्रोफ्यूज का मतलब बताओ भाई क्या होगा, प्रोफ्यूज, जो भी पूछ रहा है एंटोनिम सिनोनिम आप लोग देखो और बताओ। क्लास को लाइक करते जाओ सारे को, ठीक है, सारे लोग क्लास को लाइक करते जाएंगे। अबंडेंट, लिमिटेड, ओवरफ्लोइंग, प्लेंटीफुल, प्रोफ्यूज का 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर, बताएंगे भाई क्या होगा इसका आंसर। प्रोफ्यूज कुछ लोग कह रहे हैं, ठीक है, अबंडेंट कह रहे हैं कुछ लोग, प्रोफ्यूज का, पहले बताइए आप लोग कि प्रोफ्यूज का मीनिंग क्या होता है, ठीक है डियर, अगर आप लोग डायरेक्शन नहीं पढ़ोगे तो बहुत खुशी से आपका नंबर कटेगा एग्ज़ाम में, ठीक है, तो डायरेक्शन आप लोग पढ़ लेंगे, डायरेक्शन अगर नहीं पढ़ रहे हैं तो वो दिक्कत है। हमसे बोला है प्रोफ्यूज, प्रोफ्यूज का मतलब होता है गाइस विच इज़ वेरी गुड क्वालिटी, एडिक्वेट क्वांटिटी, ठीक है, ये सब क्या है, एडिक्वेट क्वांटिटी, ये सब अच्छा अमाउंट है, सिनोनेम है इसका, ठीक है, ओवरफ्लोइंग सिनोनेम हो गया, ठीक है, प्लेंटी फुल अच्छा खासा अमाउंट है, ये भी सिनोनेम हो गया, ठीक है, हमको एंटोनेम चाहिए गाइस, ठीक है, और सिनोनेम हो गया, लिमिटेड का भी हमारा क्या है, लगभग सिनोनेम है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका आंसर गाइस, लिमिटेड इसका आंसर है अपोजिट। अबंडेंट का मतलब भी गाइस वही है, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, बाइट द बुलेट, ठीक है, सोचो और बताओ क्या होगा इसका आंसर फ्रेंड्स, बाइट द बुलेट, सोचो और बताओ क्या होगा इसका आंसर, बाइट द बुलेट का मतलब क्या होता है, इडियम्स है फ्रेंड्स, कुछ लोग ए कह रहे हैं, कुछ लोग बी कह रहे हैं, आप लोग ध्यान दीजिए और बताइए, सारे वर्ड्स आप लोग को मैं करवा चुका हूँ, ठीक है, बाइट द बुलेट गाइस, साउथ की मूवी आप लोग देखे हैं, ठीक है, कभी कभी मैं देख लेता हूँ, ठीक है, तो उनमें से आपको मैं कुछ बताना चाहता हूँ, ठीक है, अगर साउथ की मूवी आप लोग देखे हों तो गाइस, अगर गोली चला रही है सामने से, ठीक है, तो क्या होता है, पकड़ के गोली मुंह में चबा लेता है, तो वैसा, तो बाइट द बुलेट का मतलब होता है गाइस कि सामने से प्रॉब्लम आई और आप लोग सामने से उस प्रॉब्लम को बिल्कुल अच्छे तरीके से फेस कर लिए, ठीक है, टू फेस, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, टू फेस अ सिचुएशन हेड ऑन, टू फेस अ सिचुएशन हैड ऑन, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, डन, ठीक है, क्या बात है, सब बस, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, ये रहा, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जंप द गन का मतलब क्या होता है गाइस, ठीक है, आपको बताना है, जंप द गन का मतलब क्या होता है, ठीक है, जंप द गन क्या होता है आपको बताना है, इडियम्स है फिर से ये आपके, फिर से सवाल, जंप द गन, टू स्टार्ट समथिंग टू अर्ली, टू हैंडल अ वेपन, टू रन फास्ट, टू अवॉइड समथिंग, क्या होगा इसका आंसर बताइए फटाफट, ठीक है, व्हाट डज इडियम्स जंप द गन, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि बिना सोचे समझे आप लोग जंपिंग कर रहे हो, बस आप कोई भी डिसीजन पर आप क्या कर रहे हो, कूद जा रहे हो, ठीक है, बिना सोचे समझे आप कोई काम कर रहे हो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, टू जंप ऑन समथिंग, बिना सोचे समझे आप कोई काम, बिना सोचे समझे आप कभी किसी को कुछ भी बोल देते हो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, टू हैंडल अ वेपन, टू स्टार्ट समथिंग टू अर्ली, क्या हो जाएगा गाइस इसका आंसर, ठीक है,
इसका गाइस आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट है, टू स्टार्ट समथिंग एंड टू अर्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, वन हु अबेंडेंस हिज रिलीजियस फेथ, आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आया है गाइस। फिर से एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर जो कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, आपको बताना है क्या होगा इसका आंसर, फटाफट आप लोग जवाब दीजिए। वन हु अबेंडेंस हिज रिलीजियस फेथ, जल्दी से बताइए क्या होगा इसका आंसर, आपको बताना है। ठीक है, तो बताइए क्या होगा इसका आंसर, वन हु अबेंडेंस हिज रिलीजियस फेथ। बहुत लोग बोल रहे हैं अपोस्टैट होना चाहिए, ये बंदा जो अपना खुद का रिलीजियस छोड़ देता है, जो अपना खुद का रिलीजियस त्याग दे वो कहता है अपोस्टैट। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है, इसने अपनी रिलीजियन को छोड़ दिया है गाइस। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ठीक है, क्लियर है। हेरेटिक का मतलब होता है जो किसी धर्म को नहीं मानता, इसे हम लोग कहते हैं अधर्मी। ये किसी धर्म को नहीं जानता, ये अधर्मी होता है। ठीक है, राइट है। पैगन, पैगन का मतलब होता है, पैगन का मतलब होता है बिल्कुल जो पुराने जमाने में जो चलता है। ठीक है, पैगन जो चीज़ पवित्र कंसीडर किए गई है उसकी डिसरिस्पेक्ट करना, अपमान करना। ठीक है, डिसरिस्पेक्टिंग अ प्योर थिंग, डिसरिस्पेक्टिंग अ सीक्रेट थिंग्स, पवित्र थिंग्स। ठीक है, तो ऑप्शन इसका सीधे सीधे हो जाएगा अपोस्टेट। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट है गाइस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, देखिए सारा का मीनिंग भी आपको दे दिया हूँ, आप लोग इसको देख लेंगे और सारे को आप लोग याद कर लेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग ऊपर में देख सकते हैं टेलीग्राम का नाम, और टेलीग्राम का नाम ऊपर दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए क्या होगा इसका आंसर, आइडेंटिफाई द मिस स्पेल्ड वर्ड, आपको इस मिस स्पेल्ड वर्ड को आपको आइडेंटिफाई करना है। ठीक है गाइस, तो आप लोग बहुत मेहनत लगती है गाइस एक वीडियो को बनाने में, तो आप लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसका जितना भी मेरा वीडियो जो अभी तक मैंने अपलोड किया है वो सब वीडियो आपके लिए काम आए। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछ रहा है गाइस इसमें कि स्पेलिंग किसकी गलती है आपको बताना है। गाइस डेफिनेटली अकोमोडेट का मतलब क्या होता है, किसी को आश्रय देना, किसी को मदद देना। ठीक है, डेफिनेटली का स्पेलिंग क्या होता है आपको बताना है, तो अकोमोडेट हमारा सही है, सेपरेट सही है, अमेच्योर सही है, डेफिनेटली का स्पेलिंग गलत है। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका डेफिनेटली का आंसर, देखिए DEFINI होता है, NITELY। ठीक है गाइस, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, फिर से बताना है आपको मिस स्पेल्ड वर्ड क्या होगा इसका आंसर। कितना प्यारा क्वेश्चन है, आप लोग देखिए गाइस, कुछ नहीं करना है कि क्या होगा इसका आंसर, डायरेक्टली आपको बताना है कि इसमें गलत क्या है। यहाँ पे गाइस, यहाँ पे बोला है मिस स्पेल्ड, ठीक है, मिस स्पेल्ड वर्ड आ भी रहा है और मिस स्पेल्ड का मीनिंग भी पूछा है। ठीक है, और ये देखिए, ठीक है, मिस स्पेल्ड, पहले क्या करो आप लोग, पहले मिस लिखो, ठीक है, और उसके बाद फिर लिखो स्पेल, SPELL। जो स्पेलिंग गलत है गाइस उसको हम लोग बोलते हैं मिस स्पेल। ठीक है, मिस स्पेल, तो गलत कौन है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट, इट वॉज सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, आपको बताना है, पढ़ो और बताना है आपको सॉल्व करके कि कहाँ पे आपका एरर है। नेक्स्ट देखिए और बताइए कहाँ पे एरर है गाइस, हार्डली डिड ही इंटर्ड द रूम
when the phone rang. Hardly guys, आपको मैं बताना चाहता हूँ एक चीज़ कि hardly अपने साथ did नहीं लेता है, hardly had होता है, ठीक है. hardly had he entered the room. जो ही वो उसने रूम को, याद करो गाइस कंजक्शन वाला चैप्टर जो मैंने फाउंडेशन बैच में मैं बताया हूँ, ठीक है. लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, ठीक है. हर एक थ्योरी का ग्रामर का मैं पढ़ा चुका हूँ, ठीक है. अगर उसे किसी ने कोई भी आप उसे मिस नहीं करेगा गाइस. अगर एग्ज़ाम के पहले आप लोग उस चीज़ों को करते हो तो आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है. एक चीज़ हार्डली अपने साथ क्या लेता है गाइस, हार्डली हैड लेता है, ठीक है. हार्डली हैड लेता है. क्या हो जाएगा, हार्डली हैड ही इंटर्ड हो सकता है गाइस, क्योंकि यहाँ पे हेल्पिंग गाइस हेल्पिंग वर्ब नहीं है. कौन सा हो जाएगा गाइस, ये नहीं ये नहीं ये नहीं, ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट, ठीक है. हार्डली हैड ही इंटर्ड, इन्वर्सन रिक्वायर्ड होगा. हार्डली हैड ही इंटर्ड द रूम व्हेन द फोन रिंग. नेक्स्ट देखिए आपके स्क्रीन पर, ये रहा क्वेश्चन. सिनोनिम पूछा है गाइस ब्रेविटी का, क्या है, वर्बोस, लोकेशियस, कंसिसनेस और गैरुलस. क्या होगा इसका आंसर, आपको बताना है फटाफट. क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन पर, ये रहा, आप लोग बताइए क्या होगा इसका आंसर गाइस, ठीक है. तो गाइस देखिए ध्यान दीजिए, आप लोग हमसे पूछा है कि ब्रेविटी, ब्रेविटी का सिनोनिम जानते हो, ब्रेविटी क्या होता है, ठीक है. आप किसी चीज़ को बहुत ही शॉर्ट में एक्सप्लेन कर रहे हैं, शॉर्टनेस, तो उसकी सटीकता ब्रेविटी कहलाती है. वर्बस का मतलब क्या होता है, ज़रूरत से ज़्यादा शब्दों का आप इस्तेमाल करना, ठीक है. लोकेशियस का मतलब क्या होता है गाइस, लोकेशियस का मतलब क्या होता है, रूट वर्ड इसका एलो क्यू बताया था ना गाइस, समथिंग हु इज स्पीक अ लाउड, उसको बोलते हैं लोकेशियस. गैरुलस जो बहुत बकबक करता है. कंसाइसनेस का मतलब होता है शॉर्ट, ठीक है. कंसाइसनेस का मतलब होता है शॉर्ट, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, यही हो जाएगा इसका आंसर, सिनोनिम, ठीक है. बाकी का एंटोनिम. नेक्स्ट देखेंगे आप लोग क्या होगा आंसर, क्या कहती है. वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा गया है, ठीक है. एम्बिवारेंट, प्रोलिफिक, फैस्टिडियस या फिर अल्ट्रुइस्टिक, बताओ जरा क्या होगा इसका आंसर जल्दी जल्दी से गाइस, ठीक है. बताएंगे गाइस क्या होगा इसका आंसर फटाफट. विच वर्ड डिस्क्राइब समवन हु इज डिफिकल्ट टू प्लीज बिकॉज दे आर वेरी एक्सैक्टिंग और सेलेक्टिव, ठीक है. क्या होगा इसका आंसर, आप लोग बताइए फ्रेंड्स फटाफट बताइए आप लोग. गाइस पीपल, सम पीपल आर सेइंग दैट फास्टेडियस, ठीक है. हु इज डिफिकल्ट टू प्लेजर और पेन, स्टॉइक कहते हैं उसको, ठीक है. छोटे छोटे चीज़ों को आपको ध्यान देना है, ठीक है. क्या होगा इसका आंसर, आप लोग बताइए फटाफट, ठीक है. प्रोलिफिक, फैस्टिडियस, अल्ट्रुइस्टिक, ठीक है गाइस. अगर आप लोग कभी लड़कियों को देखे होंगे मॉल जाते हुए तो बहुत सारी चीज़ों को अगर निकाल देती है तब उसे कुछ पसंद आता है, ठीक है. उसी को हम लोग कहते हैं फैस्टिडियस. एम्बिवेलेंट का मतलब क्या होता है गाइस, कि कोई एक चीज़ का बहुत ही ज़्यादा मीनिंग निकल रहा है, ठीक है. आई थिंक दैट हैज़ मोर देन मीनिंग्स, ठीक है. प्रोलिफिक का मतलब होता है बहुत ही अच्छे रिजल्ट आपको दे, ठीक है. जैसे 10 मिनट के शो में मैंने करवाया है प्रोलिफिक, ठीक है, जो अच्छा रिजल्ट दे. और अल्ट्रुइस्टिक जो बहुत ही नेक इंसान है, जो किसी को भला करे. तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, फर्स्ट इडियस, ठीक है. पार्टिकुलर. नेक्स्ट नेक्स्ट गाइज आपके स्क्रीन पर, सी इज़ नॉट ओनली अ गुड डांसर बट ऑल्सो सिंग्स. सी इज नॉट ओनली अ गुड डांसर,
बताइए गाइस क्या होगा इसका आंसर। सेंटेंस इम्प्रूवमेंट है गाइस, कहा है सी इज़ नॉट ओनली अ गुड डांसर बट ऑल्सो सिंग्स। ठीक है, कुछ लोग नो इम्प्रूवमेंट भी कह रहे हैं। ठीक है गाइस, आपको इतना पता है कि नॉट ओनली का पेयर बट ऑल्सो, तो इसके साथ पैरलरी हम लोग का डिफाइन होता है गाइस। नॉट ओनली के बाद हम लोग को क्या चाहिए, नाउन चाहिए। ठीक है, तो नॉट ओनली यहाँ पे क्या है, बट ऑल्सो, तो यहाँ पे क्या है, डांसर है। तो नॉट ओनली अ गुड डांसर, नॉट ओनली अ गुड डांसर बट सिंग्स टू। गाइस तो अगर मैं बताऊँ ना कि इस ऑप्शन में से कोई भी इसका आंसर सही नहीं है। एक्चुअल में आंसर क्या होना चाहिए, नॉट ओनली अ गुड डांसर बट ऑल्सो अ गुड सिंगर, ये होना चाहिए इसका आंसर। क्योंकि इंग्लिश में पैरललिज्म सबसे पहले फॉलो किया जाता है गाइस, अगर आप कोई भी स्टेटमेंट को देखते हो। ठीक है, बट ऑल्सो सिंग्स नहीं, सिंग्स टू नहीं, ठीक है, क्या हो जाएगा, बट ऑल्सो अ गुड सिंगर शुड बी यूज। शायद कुछ गड़बड़ हो गई होगी गाइस, ठीक है, टाइप करने में मेरे से। ठीक है, सबको क्लियर, थम्सअप दे दो आप लोग, थम्सअप फटाफट। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पर, ये रहा, बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर। ही इज़ टू इम्पॉर्टेंट फॉर टॉलरेटिव एनी डिले, टू बी टॉलरेटिंग, टू टॉलरेट, फॉर टू टॉलरेट, और नो इम्प्रूविंग, क्या होगा इसका आंसर, आपको बताना है फटाफट गाइस। ठीक है, फटाफट बताइए आप लोग। ही इज टू इम्पॉर्टेंट फॉर टॉलरेटिंग, गाइस टू और टू का पेयर बनता है, इसमें कोई दिक्कत आप लोग को? ठीक है, जैसा कि ये टू एडजेक्टिव और ये पेयर बनता है टू के साथ, यहाँ पे टू लिखा है और हमें यहाँ पे टू लगाना है, तो टू इम्पॉर्टेंट टू टॉलरेटिंग एनी डिले। ठीक है, तो टू टॉलरेट टू, ध्यान दीजिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस आपके स्क्रीन पर ये रहा, आप लोग को बताना है क्या होगा इसका आंसर। ठीक है, क्या कहता है, क्या कह रहा है गाइस, कि ईच ऑफ द स्टूडेंट शुड सबमिट देयर असाइनमेंट बाय टमोरो। देखिए आप लोग क्या हो जाएगा इसका आंसर, ए बी सी डी दिया है गाइस, आपको इसमें क्या करना है, एरर बताना है कहाँ पे एरर है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है गाइस, टॉप 500 की। ठीक है, आप लोगों को एक चीज़ देखना है कि हम लोग का जब भी ईच ऑफ आता है, ठीक है, ईच ऑफ होता है, तो गाइस आपको याद रखना है कि इसके बाद जो हमारा आएगा वो नाउन जो होगा, ठीक है, वो क्या होगा, नाउन शुड बी प्लूरल, ठीक है, नाउन शुड बी प्लूरल और ऑक्सिलरी वर्ब जो शुड बी सिंगुलर होना चाहिए। ठीक है, ईच ऑफ के बाद नाउन हमारा क्या है, प्लूरल है, ईच ऑफ के बाद नाउन क्या है, प्लूरल है, तो हमारा जो वर्ब होगा वो क्या होगा। ठीक है, प्रोनाउन को भी देखिए, यहाँ पे हमारा वर्ब कर दिया था देयर, तो यहाँ पे देयर ना हो के क्या होना चाहिए, हीज होना चाहिए गाइस, हीज असाइनमेंट, तब हमारा ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ पे किसी को, बिल्कुल सही है। तो आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। ठीक है, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ अ पर्सन वॉन्ट्स टू सक्सीड इन लाइफ, ठीक है, दे हैव टू वर्क वेरी हार्ड। ठीक है, फाउंडेशन बैच में गाइस आप लोग को पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, और आपको डिस्क्रिप्शन में भी मोस्ट ऑबली वहाँ लिंक दिया हुआ है, आप लोग देख लेंगे वहाँ पे प्लेलिस्ट में जाके। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट एक जनरल स्टेटमेंट है गाइस। ठीक है,
अगर किसी इंसान को, दैट मीन्स अगर किसी बंदे को सक्सेसफुल होना है तो उसे बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। वी आर टॉकिंग अबाउट अ पर्सन, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक बंदे के रिलेशन को देखना पड़ेगा, ठीक है। ही हैज़ टू, क्या हो जाएगा, ही हैज़ टू, क्योंकि एक पर्सन की बात हो रही है यहाँ पे, एक पर्सन है तो इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे ही हैज़। इफ अ पर्सन वॉन्ट्स टू सक्सीड इन लाइफ ही हैज़ टू वर्क वेरी हार्ड। डन है गाइस, चले नेक्स्ट। यस, नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पर, पी क्यू आर का एक सवाल है आपके स्क्रीन पर गाइस। पी क्यू आर एस कभी कभी आ जाते हैं एस्ट्रोनो में भी, ठीक है। CHSL, CGL, MTS सब में ये आता है गाइस, ठीक है। बहुत ही इजी लेवल के पी क्यू आर एस आपका पूछे जा सकता है। तो बताइए आप लोग इसका आंसर क्या होगा फटाफट जोड़कर, ठीक है। बताएंगे आप लोग क्या होगा इसका आंसर, पहले क्या होगा उसके बाद क्या हो जाएगा, आपको इसको कनेक्ट करना है, एक दूसरे में कनेक्ट करके बताना है, ठीक है। तो बताइए। यस गाइस, सब कुछ होगा। आप लोग वॉइस नरेशन हमारा फाउंडेशन बैच में बचा हुआ है तो वो सब कुछ मैं करवाऊंगा, आप लोग टेंशन मत लीजिए, ठीक है। बस आप लोग प्रॉपर तरीके से वीडियो को देखिए और लाइक कीजिए और जितना ज़्यादा ज़्यादा हो सकता है शेयर कीजिए। इसका आंसर दीजिए आप लोग क्या हो जाएगा 70 नंबर का फटाफट, ठीक है। देखा क्या हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है गाइस। आइए मैं एक छोटी सी चीज़ आपको बताता हूँ कि जब भी पी क्यू आर एस आता है हमारे सामने तो सबसे पहले आपको स्टेप नंबर वन क्या देखना है, डायरेक्शन देखना है स्टेप नंबर वन, और दूसरा आपको इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट देखना है, ठीक है। ये स्टेटमेंट या तो आपको मेन कैरेक्टर है उसको थीम बताएगा, ठीक है। नाम देखो बी में लिखा है तो पहला ऑप्शन हैज़ टू बी बी होगा, ठीक है। बी देखिए, इसको हटाओ इसको हटाओ, बी ए के साथ या बी डी के साथ पेयर होगा कि नहीं वो देखो। व्हेन ही रिटर्न होम ही रियलाइज हिज मिस्टेक, ए हो सकता है, ए के साथ डी। इट हैड ऑल द इम्पॉर्टेंट कार्ड ऑफ सम मनी, ठीक है। यहाँ पे नाम दिया है गाइस कि यहाँ वॉलेट दिया है और वॉलेट के लिए हमारा क्या हो जाएगा, इट होगा। तो शुरुआत के लिए हमारा इसके कॉन्टिन्यूसली क्या हो जाना चाहिए, डी होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा आंसर, बी डी ए सी, ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, ये रहा फिर से पी क्यू आर एस का, आपको बताना है क्या हो जाएगा इसका आंसर। आप लोग थोड़ा दिमाग लगाइए, 10 सेकंड आपके स्क्रीन पर, ये रहा क्या हो जाएगा इसका आंसर गाइस, लेट्स सी फटाफट आप लोग बताएंगे, ठीक है। गाइस कहा जाता है कि पी क्यू आर एस स्टूडेंट की बहुत बड़ी कमजोरी होती है, अगर इस कमजोरी में आप लोग बहुत बड़ी महारत हासिल कर लेती है तो आपका स्कोर जो होगा वो गोइंग टू बी शो गुड, ठीक है। बताइए क्या होगा इसका आंसर, लिखा है सी वांटेड टू क्लाइम द हाईएस्ट पिक, ठीक है। क्या बोलती जनता, बताइए क्या होगा इसका आंसर। फटाफट बताइए गाइस, चलिए ध्यान दीजिएगा आप लोग। शुरुआत डी ए डी सी कुछ लोग कह रहा है, सुनना क्या होगा इसका आंसर। पहले इट वॉजेंट ईजी बट सी वॉज डिटरमाइंड सी वॉन्टेड टू क्लाइंब द हाइएस्ट पिक, ठीक है गाइस। यहाँ पे स्टेटमेंट क्या होगा कि यहाँ पे एक ये स्टेटमेंट एक लड़की का बता रहा है, तो पहला ऑप्शन यह है यहाँ पे, ठीक है डी। अब देखिए डी इसमें है, डी इसमें है, डी इसमें है, ठीक है। तो आप लोग इसको और इसको कैंसिल करो, ठीक है। बी के बाद डी या फिर ए, क्या होगा इसको आपको मैच करके सूटेबल दिखाना है, तो क्या हो जाएगा ए वाला, ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट, ठीक है। बी ए डी सी, आगे चले अगले सवाल की तरफ। चल ये रहा क्वेश्चन, नेक्स्ट वन क्या कह रहा है कि टूज द वर्ड स्पेल्ट इनकरेक्टली, आपको इसमें से गलत स्पेलिंग को बताना है। बताइए फटाफट क्या होगा इसका आंसर, लेट्स सी
क्या होगा गाइस इसका आंसर? ठीक है, मेंटेनेंस गाइस इसका आंसर ये है, मेंटेनेंस। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना, मेंटेनेंस का करेक्ट स्पेलिंग MINTENANCE। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, झट से आप लोग बताओ क्या होगा इसका आंसर। लेट्स सी क्या लिखा है। आइडेंटिफाई द मिस स्पेल्ड वर्ड ऑफ द ऑप्शन बिलो, एक्सिस्टेंस, रिदम, ठीक है, लीजन और सवेरेजन। क्लास को लाइक करते हुए चलिए आप लोग। अब ये वाला सवाल आप लोग देख रहे हैं, बहुत बार पूछा हुआ सवाल है हमारा। ठीक है, एक भी स्पेसिफिक एग्ज़ाम नहीं है जिसमें ये सारे वर्ड्स नहीं दिए हुए हैं। कौन सा वर्ड है गाइस? ये होगा, ठीक है, लाइजन। एक भी वर्ड यहाँ पर ऐसा नहीं है गाइस कि जिसमें लाइजन की स्पेलिंग पूछा गया हो। ठीक है, क्या होता है LIAISON। ठीक है, यहाँ पे LIA है गाइस। इसका मतलब क्या होता है? दो लोगों के बीच रिलेशनशिप। LIAISON, ये दो लोगों के बीच रिलेशनशिप। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। चलो नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पर, ये रहा 21 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। बताइए फटाफट क्या होगा इसका आंसर। ठीक है, आंसर बताइए गाइस। स्पॉट द वर्ड विच इज़ इनकरेक्टली स्पेल्ड, गलत बताना है। एलिविएट, रिपीटिशन, एम्बेरेस या फिर कमिटमेंट। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर गाइस? बताइए फटाफट। एलिविएट, रिपीटेशन, ठीक है, कमिटमेंट या फिर एम्बेरेस। देखिए कौन इसका आंसर देता है आज फटाफट। ठीक है, सारे लोग जवाब दीजिए इसका आंसर गाइस क्या होगा। ठीक है, एलिविएट की स्पेलिंग गाइस सही है। एलिविएट, LLEI दे दिया है गाइस। ठीक है, एम्बेरेस ठीक है, कमिटमेंट ठीक है, रिपीटेशन ठीक है, ये गलत है। ठीक है, क्या होता है? AEEI, एलिविएट, VIATE। ठीक है, ये देखिए IATE, एलिविएट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, ये रहा। ठीक है, सॉरी गाइस, यहाँ पे ऑप्शन में मिस्टेक हो गया है कि ऑप्शन में ये लिखना था और आंसर इसका ये था, तो आंसर ये सही है, ऑप्शन में ये लिखना था। ठीक है, तो ये कलर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, ठीक है, ये रहा, आप लोग बताएंगे क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो गाइस ये हमारा कंडीशनल सेंटेंस है। ठीक है, बहुत ही आसान सा सवाल, यहाँ लिखा है इफ़ आई वॉज यू आई वुड रिकन्सिडर दैट डिसीजन और नो एरर। तो इफ़ आई वॉज यू तो होता नहीं है कंसिडर, तो क्या होना चाहिए? इफ़ आई वर यू, ये बहुत ही आसान सा सवाल है। यहाँ वॉज ना हो के वार होना चाहिए। ठीक है, देखिए बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, 23 नंबर। ठीक है, सब्जेक्ट हमारा कोई भी हो, सिंगुलर हो, प्लूरल हो, अगर इमेजिनरी सेंटेंस है तो हम लोग को वर देना होगा। नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पर, ये रहा, और आप लोग बताइए क्या होगा इसका आंसर। द टीचर अलॉन्ग विद हीज स्टूडेंट्स आर गोइंग टू द म्यूजियम, क्या होगा इसका आंसर? ठीक है गाइस, जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारा टीचर जो है वो सिंगुलर है और दूसरा सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर, ठीक है, क्या है, सिंगुलर वन और सिंगुलर टू है। ठीक है, सब्जेक्ट वन सब्जेक्ट टू है, और फर्स्ट पर्सन के अनुसार अगर हम लोग देखें गाइस, ठीक है, अलॉन्ग विद के साथ जुड़ा है, तो इसके अनुसार यहाँ पे इज गोइंग होना चाहिए। क्लियर है? ये देखिए
नेक्स्ट क्वेश्चन चले 24 नंबर आपके स्क्रीन पर ये रहा, आप लोगों को बताना है क्या कह रहा है। इफ़ सी वुड हैव लिसन टू मी सी वुडेंट हैव फेस्ड प्रॉब्लम, अगेन कंडीशनल वर्ड है, आपको बताना है। इफ सी वुड हैव लिसन टू मी, बताइए आप लोग। चलिए क्या हो जाएगा इसका आंसर, क्या होता है गाइस, हैव प्लस वी थ्री आता है और हैव प्लस वी थ्री गाइस सिर्फ ये है। सो द ट्रांसफर फॉर्म ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। इफ सी हैड लिसन टू मी, मेरी बात अगर सुनी होती तो उस प्रॉब्लम को आपको सॉल्व नहीं करना होता। ठीक है, चले आगे, ये रहा नेक्स्ट सवाल। ठीक है, वाइडली रीड राइटर्स आर जे के रॉलिंग, वन ऑफ द मोस्ट वाइडली रीड राइटर्स आर जे के रॉलिंग। ठीक है, क्या होगा गाइस आंसर, आपको बताना है फटाफट। तो इमेजिनरी में कुछ ऐसा होता है गाइस कि अगर मैं ये होता तो मैं ये करता। ठीक है, तो जिसको मैं इमेज कर सकता हूँ वो तो क्या है, उसको कहते हैं हाइपोथेटिकल है। ठीक है, क्या कहा, वन ऑफ द मोस्ट वाइडली रीड राइटर्स आर जे के रॉलिंग। ठीक है, क्या होना चाहिए गाइस, बताइए आप लोग फटाफट, क्या होगा डियर। ठीक है, पहली बात गाइस यहाँ पे आर नहीं होगा, इज होगा। वन ऑफ द वाइडली रीड राइटर्स, वाइडली रीड राइटर्स सही लिख दिया है गाइस, बिल्कुल बिल्कुल सही है। ठीक है, इज होना चाहिए ऑप्शन में, इज जे के रॉलिंग, बस ये गलती थी, बाकी ये ऑप्शन सही है। ऑप्शन में थोड़ी गलती है बट ये सही है। वन ऑफ द मोस्ट वाइडली रीड राइटर्स इज जे के रॉलिंग। ठीक है, मतलब जो राइटर्स बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हैं उनमें से एक है हमारा जे के रॉलिंग, हैरी पॉटर के राइटर हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखना आपको स्क्रीन पर, बताओ क्या होगा इसका आंसर, फटाफट इसको आंसर दीजिए आप लोग, बताइए गाइस आपके स्क्रीन पर, आप लोग फटाफट बताएंगे इसका क्या हो जाएगा आंसर। माधुरी एक्सरसाइज डेली बिकॉज ही इज प्रिपेयरिंग फॉर अ करियर इन द आर्म फोर्सेस, मतलब वो आर्म फोर्सेस में अपना भविष्य बनाना चाहता है। नेक्स्ट देखो आप लोग क्या हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, क्या कह रहा है, हिज टॉपिक वॉज गुड दैट स्टूडेंट्स हैव फ्यू डाउट्स एट द एंड ऑफ द क्लास, टीचर्स इतना बढ़िया समझाते थे कि क्लासरूम में कभी हम लोग के डाउट्स आए ही नहीं। कुछ पिक्चराइजेशन कह रहे हो, उसका पिक्चराइजेशन कैसे हो सकता है गाइस। ठीक है, टॉपिक में कभी टीचर का हो जाएगा पिक्चराइजेशन, जी नहीं। एग्जीबिशन ऑफ द टॉपिक, वो प्रदर्शन ही नहीं लगा रहे हैं किसी टॉपिक को। ठीक है, एक्सप्लिकेशन से बना है एग्जीबिशन, उसका एग्जीबिशन टॉपिक का बहुत अच्छा था कि किसी को भी वो, ठीक है, अट्रैक्ट कर सकते थे, कोई डाउट नहीं होता था गाइस। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, एक्सप्लेनेशन या फिर एक्सपोजिशन। एक दो क्वेश्चन हम लोग आर करते हैं गाइस, उसके बाद फिर मिलेंगे हम लोग फिर अगली क्लास में। क्या कहा है हमारा क्वेश्चन, एंटोनेम पूछा है, अप्रोप्रिएट एंटोनेम ऑफ द गिवन वर्ड्स इन फार्म। इन फार्म का मतलब गाइस क्या होता है, किसी को कमज़ोर बनाना। ठीक है, हमसे इसका अपोजिट पूछा है, तो स्ट्रॉन्ग, ये सब देखिए, ये तीनों का मतलब कमज़ोर, स्ट्रॉन्ग इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पर, नेक्स्ट बताओ, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइडियम्स, द गिफ्ट ऑफ द गैप, आसान सा सवाल है। द गिफ्ट ऑफ द गैप का मतलब क्या होता है साथियों, आपको बताना है फटाफट, आप लोग इसका आंसर बताइए क्या होगा इसका आंसर। द गिफ्ट ऑफ द गैप का मतलब क्या होता है, कुछ लोग स्ट्रॉन्ग कह रहे हैं और कुछ लोग लव टू गिव गिफ्ट्स भी कह रहे हैं। ठीक है, नहीं नहीं गाइस, ये सब नहीं होगा कुछ। ठीक है, आपको बताना है क्या होगा इसका आंसर। तो क्या होता है, टॉक्स वेल एंड प्रेजिवर्सली,
ऑप्शन नंबर बी, बोलता बहुत अच्छा है ये इंसान। नेक्स्ट देखिए आपके स्क्रीन पर, ठीक है, क्या हो जाएगा, स्प्राइटली, एनर्जेटिक, एक्टिव, लाइवली या फिर लेथार्जिक, क्या होगा इसका आंसर आपको बताना है फटाफट। ठीक है, बोलिए गाइस, लेथार्जिक, ठीक है, ये इसका एंटोनेम है गाइस, बाकी का ये तीनों मीनिंग क्या है, सिनोनेम है, तो ऑप्शन नंबर फोर इज करेक्ट, लेथार्जिक। नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पर, ये रहा 31st नंबर, बताइए आप लोग क्या हो जाएगा इसका आंसर, पढ़िए फटाफट। ठीक है, फिर से इधर, द फूड इन द न्यू इंटायरिटी इन टैरी इज मच बेस्ट देन द वन ऑफ द आर के पुरम, इसमें आप लोग इम्प्रूवमेंट बताएंगे गाइस क्या हो जाएगा। फाउंडेशन बैच फ्रेंड्स आपको इसी चैनल पे है, इसी यूट्यूब पर है और इसी डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दिया हुआ है, ठीक है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लिंक को आप लोग देख ले सारा, ठीक है, कुछ नहीं करना है आपको, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, प्लेलिस्ट में जाके आपको सारा वीडियो दिख जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पर, ये रहा 31st नंबर, आपको बताना है कहाँ पे एरर है। ठीक है, आइए गाइस क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो मच बेटर देन होगा, बेस्ट नहीं, ठीक है, दो जगह का अगर कंपैरिजन हो रहा है तो मच बेटर देन, ठीक है, कंपैरेटिव में कंपैरेटिव कैसे हम लोग यूज करते हैं गाइस, तो क्या हो जाएगा आंसर, बेस्ट की जगह पे क्या होना चाहिए, बेटर देन, कंपैरिजन में कंपैरेटिव कैसे यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, ये रहा आंसर, बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, जापान हैज़ मेड इम्पॉर्टेंट एंड ओरिजिन कंट्रीब्यूशन इनसाइड सम फील्ड्स लाइक फोटोग्राफी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, क्या होगा इसका आंसर गाइस, इनसाइड नहीं हो सकता है क्योंकि कुछ मैदान की बात नहीं कर रहा है, यहाँ पे इन होना चाहिए, ठीक है, इन सम फील्ड्स लाइक फोटोग्राफी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, इन, ठीक है गाइस, तो ये था टॉप 5 क्वेश्चन, टॉप 500 क्वेश्चन में से आज का सेकंड वीडियो। ठीक है गाइस, देखिए कुछ क्वेश्चन और भी हैं आपको दिख जाएंगे, ये सारे वर्ड्स क्वेश्चन थे, लगभग हम लोग 32 तक देख लिए हैं, कितना क्वेश्चन है आपको मैं दिखा देता हूँ, तो लगभग गाइस ये असाइनमेंट का क्वेश्चन था आपको बताना है। ठीक है, ये सारे 10 क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ असाइनमेंट का। ठीक है, तो गाइस कैसी लगी वीडियो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। ठीक है, और ये सारा असाइनमेंट का क्वेश्चन आपको कमेंट में बताना है कि क्या हो जाएगा उसका आंसर। ठीक है, और सारा को सेंटेंस में यूज कर लेना है और बताना है कहाँ पे एरर है। ठीक है, और जो लोग नए जुड़े हैं चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक कर लें, और जो हमारा BSSC का सीरीज भी चल रहा है गाइस, उसको भी आप लोग प्लेलिस्ट में लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में आप लोग उसको देखेंगे, और सारे वीडियो को आप लोग लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, तो कंटेंट्स आपको मिल रहा है बहुत ही अच्छे से, बस आपको मन लगा के पढ़ाई करना है और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है फ्रेंड्स। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग कल इसी तरीके से नए सेशन के साथ 500 वर्ड्स में और हमारा वॉकअप शो में और BSSC के सेट में। ठीक है, तो तब तक के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड गुड नाइट, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू फ्रेंड्स।